हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इन हिंदी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास भी कोई एमएस एक्सेल की फाइल है, आपने कोई मार्कशीट बनाई है या कुछ और, तो आप एमएस एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी एप्लीकेशन या बिना नेट के। तो कैसे करना है, आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है, यहाँ पे ये मार्कशीट है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा। आपका आइकन थोड़ा अलग सा होगा, पर यहाँ पे आपको चार विंडो सी दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज, सेव एज पे आपको क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा मार्कशीट। यहाँ पे आपको डालना है अपनी पीडीएफ का नाम, तो यहाँ पे हम डालते हैं पीडीएफ मार्कशीट। इसके बाद आपको ध्यान देना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे क्लिक करना है ताकि आपकी फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव होए। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा एक्सेल वर्कबुक, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ पीडीएफ, तो आपको इस पर ध्यान देना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ का नाम डालना है, फिर पीडीएफ सिलेक्ट करना है, सेव पर क्लिक करना है, हल्का सा वेट करना है। यहाँ पे आपको ये हो रहा है और ये हो चुका है, तो ओके पे क्लिक करना है। हम इसे मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फाइल है आ चुकी है, हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारी जो पीडीएफ फाइल है जो हमने क्रिएट करी है वो यहाँ पर शो करा देगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम शो करा रहा है। मैं आपको एमएस एक्सेल की फाइल भी शो कराता हूँ, ये रही वो फाइल। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।